राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैं कुछ आपको अपनी पुरानी यादें दिखाने वाली हूँ, स्कूल टाइम की यादें। वैसे भी मेरे पास एक कमेंट आई थी कि हाँ, आप अपनी स्कूल फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स के साथ वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो। तो मैं चलो व्लॉग ही बना देती हूँ इस बात पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग, क्योंकि इसमें आप देखोगे बहुत बड़ा चेंज है। मैं पहले कैसी थी, उसके बाद में कैसी होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, मतलब स्कूल टाइम में हम कैसे थे, मेरी कौन कौन फ्रेंड थी स्कूल टाइम में, और हम कहीं गए थे उसके। तो ये है हमारा ट्रिप जो कि हम गए थे बाहर घूमने के लिए। ये देहरादून की है, ये देखो। आपको बहुत हंसी आने वाली है इस व्लॉग को देखने के बाद में, मैं कैसी थी देखो। बोलते हुए कि फोटो खींच दिए। ये ऋषिकेश का है। ये मंसूरी का है, कैंपटी फॉल पे। ये हरिद्वार का है। पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, हर बार चेंज आता ही है। पहले फोटो देख के तो बहुत हंसी आती है सच में कि हम कैसे थे। चाय पी लो। ये मेरी क्लासमेट थी, तो सब गए थे घूमने। तो ये नहीं होता कि हाँ भाई सिर्फ पर्सनल अपने ही फ़ोटो, सबके साथ में भी फ़ोटो होनी चाहिए। फ्रेंड तो मेरी कोई गई नहीं थी। ये हमारी फेवरेट पार्टी, ये मेरी फ्रेंड है। लक्ष्मी, रचना, कंचन, बॉबी, रिंकू, ये मेरी क्लास टीचर है सुशीला मैम। ये भी हमारी स्कूल की मैम है। ये पहनी थी मैंने फेयरवेल पे साड़ी। ये फेयरवेल के, ये टीचर्स डे के हैं शायद, अब तो याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया। ये मैम के साथ,
ये हम तीनों फ्रेंड, हाँ ये फेयरवेल के, क्योंकि फेयरवेल पे कंचन नहीं आई थी, हम तीनों ही थी। ये घर पे जाके फोटो खिंचवाए फिर शिवानी के साथ में। ये हमारा नोकल टूर गया था जब के, मैं और कंचन, लक्ष्मी और बॉबी। ये पता नहीं कौन सी जगह के, शायद इंडिया गेट के, ये लाल किले के। ये मैम के साथ और ये मेरा। मैं और बॉबी, ये हमारा 11th या 12th क्लास का टूर है शायद, ये 9th क्लास का है। ये धीरज सर है जो मांडी गांव से है, ये बबीता, कोमल, कंचन, मैं और ये हमारी क्लास टीचर है मिथिलेश मैम। ये 9th में क्लास टीचर थी मैम और सुशीला मैम 12th में थी। ये हम चारों हैं। फिर ये हमारी चारों फ्रेंडों की, मतलब यादें ही रह जाती है, फ़ोटो हुए, वीडियो हुए, बाद में इन सबको देख के मतलब वो मोमेंट एकदम याद आते हैं। पता नहीं इनके पास तो कोई फ़ोटो होगी या नहीं, पर मेरे पास तो अभी भी ये है। ये हम चारों का है, ये वहाँ का है प्रगति मैदान का, ये म्यूजियम का है, ये हम तीनों बहने हैं। और तो ये है शादी के बाद की फोटो मेरी दीदी की, इनकी और जीजू की, ये और हम। ये हम शादी के बाद के, ये भी मैं और पूजा, मामा की लड़की है ये शिवानी का। और अब ऐसी हूँ, तो जैसा कि आप सबने देखा, देख लो मैं कैसी थी पहले, और
मतलब आप सब भी जानते हो, हर साल क्या हर मंथ हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं, मोटे पतले कभी कैसे हो जाते कभी कैसे हो जाते। तो शादी से पहले मैं कैसी थी, और बाल मेरे हालांकि शुरू से ही लंबे, ये थे मेरे जो आपने फेयरवेल पार्टी में देखा होगा, मेरे काफ़ी लंबे बाल थे। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी वहाँ पे सब बाल खोल के आते हैं, पोनी टेल करके आते हैं, और मैं हमेशा बाल अपने मतलब गूंथ के रखती हूँ, मैंने कहा मुझे भी कटिंग करानी है। मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया, नहीं बिल्कुल भी कटिंग नहीं कराएगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से बाल बढ़ते हैं। तो मुझे तो अपने बालों से उस टाइम इतना लगाव नहीं था, मैंने कहा इतने लंबे थे, मम्मी कभी भी खोलने नहीं देती थी। एक बार हुआ था कि मैंने खोल लिए, वाकई में मेरे बालों में सब कितने लंबे बाल है, कितने लंबे बाल है, कितने अच्छे हैं, भारी है ऐसे। तो मम्मी बिल्कुल भी खोलने नहीं देती थी, मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे कटिंग कराना नहीं है। फिर मैंने ऐसे हुआ जब हम कॉलेज में गए थे, तो मैंने बस इतने इतने से बाल मम्मी ने कटिंग करानी दी, और कुछ भी नहीं, बस पोनी टेल करके ऐसे ही चले जाते थे। जब तो यही था कि हाँ मतलब मम्मी के उससे बहुत डर था, अब तो अपनी मर्जी से स्मूथिंग करा ली। जब मम्मी करा के आई मैं, तो मम्मी ने भी डांटा था बहुत ज़्यादा कि कैसे बाल थे अब कैसे करा ली। तो बाल मेरे शुरू से लंबे थे, अब शुरू में आप सब देखोगे मैं कैसी लग रही थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि कैसी लगी मैं। खुद मुझे बहुत हंसी आती है अपनी मतलब अपने फोटोज को देख के कि हाँ मतलब हम पहले कैसे थे। तो एक हमारे लोकल टूर जाते थे स्कूल से, और फिर हमारे ऐसे होता था जो मतलब मेरे देहरादून ऋषिकेश मंसूरी के जो फोटो है वो मतलब हमारे स्कूल में ये रूल है, 10th क्लास में जिसकी परसेंटेज 50% से ऊपर आती है वो सब घूमने के लिए जाते हैं। तो मतलब 6th से 10th क्लास तक तो होते हैं, मतलब ई तक ई एफ तक सेक्शन होते हैं, फिर ये सारे सेक्शन मिलके ए और बी में बढ़ जाते हैं। तो मतलब दोनों क्लासों में से गए थे, कितने बच्चे गए थे ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मतलब हमारे ग्रुप में मैं और बबीता ही गए थे। तो बहुत मस्ती की थी, बहुत मज़ा आया था उस टाइम हमें। लेकिन ये होता है जब हम होते हैं मतलब अब हम सोच रहे हैं कि हाँ हम अब ठीक है, पहले के फ़ोटो देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हम पहले बुरे थे अब अच्छे हो गए। अब कभी अब के फ़ोटो आगे जाके देखेंगे तो लगेगा कि हाँ हम अब अच्छे जब बुरे थे। तो चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो फिर उसमें मेरी आई थी उस टाइम, झूठ नहीं बोलूंगी, 58% आई थी मेरी। तो कट ऑफ निकलती रहती है, मतलब पहले काउंट होता है जो मतलब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होती है वो जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे ही कम कम करते हैं तो जिन जिन की होती है वो चले जाते हैं। तो मेरे बबीता की सेम परसेंटेज थी, और हम दोनों फ्रेंडों का नंबर आया था, हम बहुत खुश हुए थे। बाकी सब फ्रेंड भी खुश थी कि चलो हम नहीं जा रहे, तुम दोनों तो जा रही हो। तो हम घूमने गए थे, ये था हमारा मतलब 5 दिन का ट्रिप होता है हमारा स्कूल की तरफ से। हम 5 दिन के लिए बाहर गए थे, जब हम गए थे 3 दिसंबर को 2011 में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि अनमैरिड थे और हम कहीं ऐसे बाहर घूमने गए थे, उससे पहले कहीं ऐसे नहीं गए। फैमिली के साथ तो हम ऐसे ही चले जाते थे कि किसी रिलेटिव में चले गए, शादी वादी में ऐसे ही जाते थे, बाहर ऐसे ट्रिप नहीं होता था घूमने का। तो फर्स्ट टाइम स्कूल से ऐसे गए, बहुत एक्साइटेड थे। लोकल टूर भी हमारे स्कूल से हर बार जाते रहते, 6 से 12 तक एक दिन ऐसे होता है कि मतलब टूर के होते हैं दिन, कभी कोई क्लास जा रही है कभी कोई क्लास जा रही है, तो सब ऐसे चले जाते थे। जैसे होता था मतलब 6th के सारे बच्चे गए, 7th के सारे बच्चे गए, ए से ई तक जो भी सेक्शन होते थे सब जाते थे। तो हम भी कभी प्रगति मैदान गए थे, लाल किला गए थे, साइंस म्यूजियम गए थे, बहुत सारी जगह घूमने हर बार जाते रहते थे, इंडिया गेट गए थे। तो ये मेरी कुछ स्कूल की यादें हैं जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या कुछ भी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।